विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। परंतु गंगा पुत्र, अब ये कौन सा परंतु है दाशराज, जिसने सर्प के समान फड़ काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगा पुत्र? आपकी ये आशंका आधार ही नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दाशराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।